हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त संजीत सिंह आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों, आप सभी के साथ मैंने पिछली वीडियो में बातचीत करी थी कि 15 तारीख के बाद आप सभी के बीच में दोबारा आऊँगा और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नुस्खे लेके आऊँगा। तो मैं अब फारिग हूँ और मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, कहीं बिजी था, तो आज बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नुस्खे की तैयारी करी हुई है, तो आपके सामने लाइव रखा हुआ है। तो ये नुस्खा कुछ इस प्रकार है कि इसको औरतें भी खा सकती हैं, मर्द भी खा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तनाव इंतशार टाइमिंग में भरपूर काम करेगा और औरतों के, ठीक है जी, जिन औरतों के हमल नहीं ठहरते या जिनके शरीर में कमजोरी है या जिन औरतों की भी सेक्स पावर कम हो चुकी है, वे उसमें भी काम करेगा, खून में वृद्धि करेगा, खून को गाढ़ा करेगा, ताकत को बढ़ाएगा, स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, मैं नुस्खा दिखाता हूँ आपको किस प्रकार बनाना और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है इसमें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए शुद्ध संखिया, ठीक है, शुद्ध संखिया सुमलफार चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, आपने ये लेना है शुद्ध संखिया सुमलफार। ये आपने ये डली है जो सी, ये है 35 ग्राम की, तो आपने अपने हिसाब से छोटी मात्रा में ले लेना, जैसे अपने लिए बनाना है। अगर ज़्यादा मात्रा में बना ले तब भी कोई नुकसान नहीं है, इसमें थोड़ा सा उड़ेगा भी, ठीक है जी। 35 ग्राम मैंने सुमलफार संख्या ले रखा है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपने लेना है देसी घी, ओरिजिनल ऐसे निकाला हुआ, देखो आप देसी घी लेना आपने, ऐसे बढ़िया ज़बरदस्त वाला देसी घी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना है, इस संख्या को आपने इसका लेप लगा देना देसी घी का, ठीक है जी। जैसे इसको ले लिया, इसके ऊपर रख दिया, लेप लगाते गए, समझ गए उन्हें आप बात दोस्तों। इसका अच्छा लेप करना, मैं आगे दिखाऊंगा कैसे मैं इसका लेप करूंगा अगली वीडियो में, अभी मैं बस सिर्फ बता रहा हूं क्या चीज़ों की ज़रूरत है। आपने इसका लेप करना है, ठीक है जी, उसको फिर रख लेना है। और अभी तो मैं, चलो मैं धूप में खड़ा हूं, लेकिन आपने छांव में करना है ये सारा काम, और ठंड का मौसम है वैसे भी पिघलता नहीं है जल्दी। तो देसी घी लेना गाय का, ठीक है जी, और आपने ले लेनी है डली सुमलफार संखिए की। इसको लेप करने के बाद रख के आपने क्या करना है, एक गिल हिकमत की हुई कुज्जी लेनी है, ठीक है जी। मैंने देखो गिल हिकमत करी हुई कुज्जी ले रखी है, देखिए मैंने अभी करके रखी हुई है, देखिए तो ये अभी थोड़ी सूख रही है, वैसे मैक्सिमम सूख गया पर और सूखेंगी अभी ये। तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उसके बाद लेना है आपने गुलाब के फूलों का नुकदा, ये देखिए जैसे यहाँ पड़ा हुआ है, ये देखिए गुलाब के फूलों का नुकदा यहाँ तैयार हो रहा है, ये देखिए। ज़्यादा नहीं करना, नॉर्मल बस इतना सो जाए। उसके बाद क्या करना है, आपने कुज्जी ले लेनी है, ठीक है जी। कुज्जी के अंदर आपने क्या करना है, 20 ग्राम नीचे डाल देना है कुज्जी के। उसके बाद जो आपने डली तैयार करी है लेप लगा के देसी घी का गाय के, आपने पान के पत्ते ले लेने इस प्रकार, पान का पत्ते दो लेकर, ऐसे दो पत्ते लेकर पहले बीच में डली को रख के उसके ऊपर, मैं आगे वीडियो में दिखा भी दूंगा, ऐसे इसके ऊपर पान का पत्ता ऐसे रख देना है। फिर उसको किसी हल्के से धागे से या इसी के साथ मोड़े देकर बांध कर बीच में रखकर ऊपर नुकदा डाल देना है 30 ग्राम गुलाब के फूल के पत्तों का, ये देखिए फूलों का, ठीक है जी। फिर क्या करना है, उसके बाद आपने उसके ऊपर चार पत्ते और रख देने हैं गुलाब के फूलों का, जो 30 ग्राम आपने ऊपर डाला है कुज्जी में, उसके ऊपर 4 से 3 पत्ते और रख देने हैं पान के पत्ते के। फिर उसकी बंद कर देना है ढक्कन, गिल हिकमत कर देनी है। उसके बाद जो हमारी ये भट्टी है इसके नीचे, तो उसके अंदर आपने 20 किलो की आग दे देनी है, ठीक है जी। 20 किलो की आग देने के बाद आपने कुज्जी को निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने क्या करना है, जो आपका संख्या है उसको अलग निकाल लेना, थोड़ा बहुत वजन कम भी होएगा। निकालने के बाद उसको इस प्रकार खरल में ले आना। खरल में लाने के बाद आपने क्या करना है, एक आपने अच्छे तरीके से अपना सारा सामान लेके, अंजीर या और फल फ्रूट, अंगूर, सेब, ठीक है जी, अनार, ऐसे कुछ फल फ्रूट महंगे लेकर, कीवी वगैरह लेकर, अंजीर ज़्यादा लेकर, आपने देसी दारू निकलवानी है, जिसको कच्ची दारू भी कहते हैं, जो हमारे बुजुर्ग या पुराने घर पर निकाल के पीते। देखिए मैंने बिल्कुल प्योर निकलवाई है, देखिए आप बिल्कुल प्योर साफ, बिल्कुल बढ़िया वाली, अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी, बड़ी अच्छी स्मेल है, खुशबू भी अच्छी है। क्या करना फिर, जिस आप संख्या को जब इसके अंदर ले आए, तो आपने इस कच्ची दारू के अंदर उसको भिगोना है। 20 ग्राम कच्ची दारू लेकर
आपने उस संख्या को इसके बीच में भिगो देना है खरल में, तो अगले दिन उसको निकाल लेना है। ठीक है जी, अगले दिन फिर दोबारा आपने सेम वही चीज़ करनी है, नुग्दा लेना है, संख्या रखना है पान का पत्ता बांध के, फिर नुग्दा डालना है, पान के पत्ते रखने हैं, फिर उसको 20 किलो की आग देनी है, फिर निकाल लेना है। उसके बाद आपने पान के पत्तों का रस निकालना है 50 ग्राम, फिर संख्या को खरल करते रहना है, उस 50 ग्राम के बीच में जज़ब कर देना है संख्या को, बिल्कुल नहीं उड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा इसके अंदर क्या क्या मटेरियल डलेगा, फिर आपने उस संख्या को कितनी मात्रा का लेके उस दवाई में डालना है मैं आपको बता दूंगा। आपने ये संख्या तैयार करना दोस्तों।